समय सबसे बड़ी समस्या चल रही है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस जिससे मरने वालों की संख्या अब तक की 512 हो चुकी है और करीब 8000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। तो आज हम बात करते हैं शाहजहांपुर के सत्यानंद हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव मिश्रा से, जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे जानते हैं कि बाल बच्चों में किस तरह से इसके उपाय क्या क्या है और हम कैसे अपने बच्चों को इस समस्या से बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सर। नमस्ते सर। सर ये बताइए कि ये जो जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, तो इससे हम अपने नवजात शिशुओं को कैसे बचाएंगे? पहली बात तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। इस तरह के वायरस पहले भी फैल चुके हैं और इससे ज़्यादा खतरनाक वायरस फैल चुके हैं। ये पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो इसमें मोर्टैलिटी यानी मृत्यु दर 2 से 5% के बीच में है, जो कि पहले फैले हुए वायरल इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू, सार्स और HMEF से कहीं ना कहीं कम है। उन सब में मोर्टैलिटी करीबन 10% रहती थी। अभी हमारे अपने देश में, हिंदुस्तान में, पूरी तरह से फैला भी नहीं है। केवल एक केस रिपोर्ट हुआ है, वो भी वुहान प्रांत चीन का जो है, वहाँ से एक लौट के आए व्यक्ति में पाया गया था। फिर भी किसी भी चीज़ का बचाव और जानकारी जरूरी है, तो सबसे पहले हमें समझना है ये कोरोना वायरस किस तरह से फैला। इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं चीन के वुहान प्रांत में एक वेट मार्केट, जो मीट का वहाँ पे मार्केट है, जहाँ पर तमाम अजीबोगरीब चीज़ें खाई जाती है, उनसे फैलता है। दूसरी चीज़, ये वायरस किस तरह से फैलता है, ये वैसे तो इस तरह के मीट प्रोडक्ट्स खाने से भी इसकी उत्पत्ति का कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि नया वायरस है तो बहुत सारी जानकारी नहीं है, केवल कयास है। दूसरा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं कि जब हम किसी तरह से खांसते हैं या छींकते हैं, तो आंखों से ना दिखने वाली बिल्कुल छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदें हम लोगों से काफ़ी दूर तक जाती हैं, जो कि इस तरह की बीमारी में संक्रमण को फैलाती है। तो इससे बचने का तरीका भी यही हो गया। एक आम घर पे रहने वाले इंसान के तौर पे, आपको किसी भी सर्दी खांसी जुकाम के मरीज से करीबन 1.25 मीटर की यानी 3 फुट की दूरी बना के रखनी है। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो सबसे पहले अगर समझदार है, बड़ा है, तो उसे आपको ये समझाना है कि अपने हाथ में खांसना छींकना नहीं है, अपनी स्लीव में, अपनी बगल में इस तरह से खांसना या छींकना है, क्योंकि इस तरह की बीमारी में संक्रमण को फैलाती है। तो इससे बचने का तरीका भी यही हो गया। एक आम घर पे रहने वाले इंसान के तौर पे, आपको किसी भी सर्दी खांसी जुकाम के मरीज से करीबन 1.25 मीटर की यानी 3 फुट की दूरी बना के रखनी है। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, तो सबसे पहले अगर समझदार है, बड़ा है, तो उसे आपको ये समझाना है कि अपने हाथ में खांसना छींकना नहीं है, अपनी स्लीव में, अपनी बगल में इस तरह से खांसना या छींकना है। इसके अलावा अगर हाथ में खांस या छींक भी देते हैं या नहीं भी छींकते हैं, तब भी हाथ में खूब फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। अगर साबुन और पानी अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो साबुन और पानी से कम 5 मिनट तक का आपको हैंड वॉश यहाँ तक का दिन में कईयों बार करना है, जितनी बार हो सके। अगर हैंड वॉश नहीं उपलब्ध है, आप कहीं सफर कर रहे हैं, तो अपने पास में हैंड रब या हैंड सैनिटाइजर आजकल जो मार्केट में उपलब्ध है, उनको रखना है। उसके साथ में खांसी सर्दी जुकाम अगर किसी भी मरीज में होता है, तो मेडिकल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल मास्क में हमें ध्यान ये रखना है, नाक और मुंह पूरी तरह से कवर होनी चाहिए, और मेडिकल मास्क को छूने के बाद में आपको कोई और चीज़ नहीं छूनी है, हैंड वॉश करना है, और मेडिकल मास्क को भी एक निश्चित समय 6 घंटे के लिए यूज करके उसको चेंज करना है, उसको डिस्कार्ड करना है। सर, जैसे कि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो बच्चों की स्किन काफी सेंसिटिव होती है, तो उनको तो मास्क नहीं पहना सकते हम, तो उनको किस तरीके से हम इस वायरस से बचाएं? एक सिंपली आइसोलेशन, अगर पहली बात तो उसको आप वायरस पहुंचने से बचाइए। पहुँचने से बचाने के लिए घर में जो बाकी, जैसे आप नवजात शिशु की बात की, जो नवजात शिशु जाहिर तौर पे बाहर नहीं जा रहा, वो तो घर में ही है, तो उसको उसकी माँ के साथ में या परिवार के और एक दो लोगों के साथ में, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, उनके साथ ही में रखिए। अगर माँ को सर्दी खांसी जुकाम बुखार किसी भी तरह के फ्लू के इन्फेक्शन के लक्षण हो रहे हैं, तो माँ को फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग और एक मास्क के प्रयोग, जिस तरह से अभी बताया, उसके प्रयोग के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा अगर बड़ा बच्चा है, तो उस पर मास्क का इस्तेमाल।